हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है एक नए से ब्लॉग में, और ये ब्लॉग को हो रहा है रात के टाइम। देख सकते हैं खिड़की के बाहर रात हो चुका है, और आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि मैंने सोचा था 6 बजे स्टार्ट कर दूँगा, बट 8 हो गया है। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। आज का चैलेंज क्या होने वाला है? आज का चैलेंज होगा सेल का, थोड़ा पार्ट पढ़ेंगे। सेल उस दिन मैंने ख़त्म नहीं कर पाया, तो सेल का थोड़ा सा पार्ट होगा, सेल का थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, हो जाएगा। सेल का पहले करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री थोड़ा करेंगे, उसके बाद फिजिक्स थोड़ा करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन क्लास लगाएंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। अभी थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद अब टाइम हो गया है मेरा डिनर का, तो मैं अभी जा रहा हूँ अभी डिनर करने, यानी कि रात का खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर अब जाने के बाद पानी सब जो भी होगा, सारा पानी उनी सारा मटेरियल लेकर के फिर से बैठना पड़ेगा मुझे। तो फिर मिलते हैं डिनर करने के बाद। और कुछ DPP लगाए हैं मैंने, और बहुत सारे DPP है लगाने के लिए, अभी तो सारे DPP लगाना होगा मुझे। तो फिर मिलते हैं डिनर के बाद। अभी मैं फर्स्ट क्लास खाना खा के आ चुका हूँ, और फिर आज खाना खाते खाते एक चीज़ मुझे मन में आया कि क्यों ना आपको मतलब एक अच्छा चीज़ आपके लिए लाया हूँ, कि वीडियो के आज लास्ट में वीडियो जब एंड होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। एक फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री के, एक बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वो तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट करना है, और उस क्वेश्चन को आंसर जो है कमेंट करना है। फिर उसके बाद जिस सबका आंसर सही होगा, काहे कि सभी पढ़ रहे हैं और नीट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, 17 से 18 दिन बाकी होगा, तो उसको जल्दी से करना है, उसका भी तैयारी करना है। और साथ ही साथ आज क्वेश्चन देंगे, कुछ 3 क्वेश्चन देंगे, तो उस क्वेश्चन का जवाब देना है, वीडियो के लास्ट में आज आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ताकि वो 3 क्वेश्चन आप मिस मत कर पाओ।
चलो, जिसका इंतजार था वो आ गया, क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बायो से है ये, तो कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में जो कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, ग्लाइको कैलिक्स कहते हैं। उसी में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैप्सूल, एक होते हैं स्लाइम लेयर। तो ये कैप्सूल से क्वेश्चन आया हुआ, तो इसमें बताना है आपको कि वो कैप्सूल जो होते हैं वो थिक होते हैं, या तो मोटा होते हैं या फिर टफ होते हैं यानी कि हार्ड होते हैं, और लूज शीथ होते हैं। तीसरा है लूज शीथ होते हैं यानी कि थोड़ा सा लूज होते हैं, शीथ का मतलब होता है एक लेयर, मोर देन वन इज ट्रू, और क्या है कि एक से मतलब ज़्यादा जो है सही हो सकते हैं। तो आपको इसका जवाब कमेंट करना। तो उसका मैंने हिंट दे दिया है। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका, किससे है, वेट करिए थोड़ा, ये है किससे है, ए मेजर यानी फिजिक्स से है। ए मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 300 डिग्री, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, व्हाट विल द रीडिंग ऑन बी सेल्सियस स्केल। कहा जा रहा है कि ये जो है फ़ारेनहाइट पे 300 है, वही जो यदि सेल्सियस स्केल पर नापा जाएगा, सेल्सियस के स्केल पर हम लोग इसको यदि मेजर करेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर आपको करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला लगाइएगा हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 94 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 148.8 डिग्री सेल्सियस, और चौथा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जवाब जो है आप कमेंट करिए, मैंने हिंट दे दिया है, तो आप एक फॉर्मूला डालिएगा और बन जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन आने वाला है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर रहा, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन, यानी कि उसके जो होंगे यूनिट होंगे लेकिन डायमेंशन नहीं होंगे। डायमेंशन आपको पता होगा, डायमेंशन क्या होता है, 11th में आपका पढ़ाया गया होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन ये समझते हैं, तो यूनिट होंगे बट लेकिन डायमेंशन नहीं होंगे। तो इसका जो है सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रेन है, बी है स्पीड ऑफ रामलाल, रामलाल है हमारे सर का रामलाल, सी है एंगल, और डी है हाइट ऑफ कल्लू। कल्लू का आप लोग कभी, आपको कल्लू से मिलवाएंगे, तो इसका जवाब जल्दी से कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।